देर रात अंबाला में कृषि विभाग ने हरियाणा से पंजाब में यूरिया की सप्लाई कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में ले पुलिस के हवाले किया है। गौरतलब है कि इन दिनों पंजाब में माल गाड़ियां नहीं जा रही तो वहां यूरिया की कमी हो रही है, जिसके चलते हरियाणा के डीलर पंजाब में अंबाला के हिस्से की सप्लाई करने में लगे हैं ताकि महंगे दामों पर यूरिया बेचा जा सके। कृषि विभाग का कहना है यह सब उनकी जानकारी के बिना चल रहा था। जिस डीलर के पास सप्लाई आई थी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विगत कई दिनों से हमें ये शिकायतें किसानों से और विभिन्न कोणों से आ रही थी कि जो अंबाला के हिस्से की खाद है, जो हमें हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा खाद दी जा रही है, उसका कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन निकटवर्ती राज्य में हो रहा था। और कई दिनों के बाद आज हमने पाया है कि शाम को 7 बजे के बाद ये जो बिल्टी वाले ट्रक थे, इन ट्रकों से दूसरे ट्रकों में सामान पलटा जा रहा था और मौके पर दोनों तरह के ट्रक हमने पाए भी हैं। और इन ट्रकों के बाद ये ट्रैक्टर के माध्यम से निकटवर्ती राज्य में खाद की सप्लाई की जा रही थी, जो कि गैरकानूनी है। और मौके पर कोई ऐसा प्रमाण या कोई ऐसे दस्तावेज हमने नहीं पाए हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये सामान किसी अपने गंतव्य पर जा रहा था। तो बनती कार्रवाई के लिए हमने पुलिस से, अधिकारियों से अनुरोध किया और आज इनको इस बारे में प्रार्थना पत्र दे दिया गया। सर, अच्छा ही है। सर, देखिए, ट्रैक्टर का चालक मौके पर यहाँ हमें मिला है, उस ट्रैक्टर चालक से पुलिस ने बयान लिए हैं। तो ट्रैक्टर चालक ने इस बारे में बताया है कि वो किस गंतव्य पर लेकर जा रहा था। अगर वो दूसरे राज्य में लेकर जा रहा था तो पूरी तरह गैरकानूनी है, क्योंकि ये जितनी भी खाद आई है ये अंबाला के हिस्से की खाद थी, भारत सरकार द्वारा अंबाला को अलॉट की गई थी और किसी भी तरह से निकटवर्ती राज्य में दिया जाना ये कानूनी तर्कसंगत है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर और मूवमेंट ऑर्डर के तहत इसमें बनती कार्रवाई की जाएगी और डीलर का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और विभिन्न धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये साहब का फोन आया कि यहाँ से खाद पंजाब में ले जाया जा रहा है, अनाज मंडी से, नई अनाज मंडी से। तो हम मौके पर आए और उन्होंने हमें ये गाड़ी जो दी हमें, हम उनको लेकर अपने अफसरों से बात करके जैसे कि जो कार्रवाई है इसके बाद। सर, कुछ है खाद है, इसमें खाद लोड है, यमुनानगर से आया हुआ खाद है, यूरिया और एक गाड़ी खाली है पंजाब की। कपिल, क्या काम करते हो? नौकरी करता हूँ। कहाँ पे? सुरेश जी के यहाँ। अच्छा, तो ये जो खाद है कहाँ लेके जा रहे थे? सर, मुझे ले जाने का कुछ नहीं बताया, मुझे तो ये बताया था कि वहाँ जाओ और ये माल ट्रालियों में मैं पलटी कराऊंगा। अच्छा। सर, मैं ना कहीं से लाया ना मैं कहीं लेके जाना, मेरी जिम्मेदारी बस सिर्फ इतनी थी कि ये माल गाड़ियों में पलटी कराना। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो नंबर दिया था कि वहाँ पहुँच जाओ वाला, ये दुकानदार है, ट्राली आएंगे वहाँ माल पलटी कर। जिम्मेदार हैं? कहाँ के जिम्मेदार हैं? कहाँ के जिम्मेदार हैं? मुझे कुछ नहीं पता कौन सी जगह। फिर भी कह रहे तो और कुछ यही जिम्मेदार आए थे। कहाँ का जिम्मेदार है? पंजाब के थे ये, बताइए पंजाब में कहाँ से थे? पंजाब का तो है ना। हाँ, पंजाब से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।